हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, क्लास वन में केंद्रीय विद्यालय संगठन अपनी एडमिशन की ड्रॉ को निकालने की डेट ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है। 23 जून 2021 को केंद्रीय विद्यालय संगठन के अलग अलग रीजन्स में अलग अलग टाइमिंग में ड्रॉ निकाला जाएगा और सेम डे ही केंद्रीय विद्यालय संगठन के उस पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय में विद्यालय की वेबसाइट पर वो लिस्ट अपलोड कर दी जाएगी। बहुत सारे लोग इस चीज़ का वेट कर रहे हैं और जिन जिन पेरेंट्स का नाम उस लिस्ट में आ जाता है, अब आगे उनके लिए क्या प्रोसेस रहेगी वो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपका नाम क्लास वन की एडमिशन की लॉटरी लिस्ट में आता है तो आपको कुछ एक डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। कोविड की सिचुएशन की वजह से केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इस बार दो प्रोविजंस रखे हैं। नॉर्मली क्या होता है, पेरेंट्स को स्कूल जाना होता है और उन्हें डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना होता है। इस बार ऑनलाइन यानी ईमेल के थ्रू भी ये फैसिलिटी दी गई है कि जिन जिन पेरेंट्स का नाम यानी जिन जिन बच्चों का नाम उस लॉटरी में आएगा उन सबको विद्यालय एक ईमेल कर देगा एडमिशन फॉर्म के साथ, और आपको उस ईमेल के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स लगाकर अटैच करके भेजने होंगे। साथ ही साथ अगर पेरेंट्स चाहे तो यही काम जो है वो स्कूल जाकर भी कर सकते हैं। तो एडमिशन की जो डेट्स रहेगी लिस्ट निकलने के बाद, फर्स्ट लिस्ट के बाद, वो रहेगी 24th से लेकर 29th जून 2021 तक। यानी फर्स्ट लिस्ट में जितने भी कैंडिडेट्स आए हैं उनके पेरेंट्स को ये प्रोसेस पूरी करनी होगी एडमिशन की 24th से 29th तक, क्योंकि 30 जून को सेकेंड लिस्ट यानी कि जो वेटिंग लिस्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगी। टाइमिंग यानी टाइम स्लॉट क्या रहेगा वो विद्यालय डिसाइड करेगा। हर केंद्रीय विद्यालय को ये राइट है कि वो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग पेरेंट्स को एक टाइम स्लॉट दे दे। और अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, क्या क्या आपको, अगर आप स्कूल विजिट करते हैं या फिर आप बाय मेल भेजते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट आपको करने होंगे अगर आपका नाम इस लिस्ट में आया है। सबसे पहले तो एक एडमिशन फॉर्म जो आपका निकला है यानी जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने फिल किया है उसकी एक कॉपी वो रहेगी। वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म की एक कॉपी आपको अटैच करनी होगी। इन केस यू आर गोइंग टू स्कूल तो आप उसका एक प्रिंट आउट निकाल कर जाएंगे। साथ ही साथ विद्यालय आपको एडमिशन के लिए एक फॉर्म देगा, वो फॉर्म भी आपको फिल करना होगा। चाहे आप ईमेल के थ्रू भेज रहे हैं चाहे आप स्कूल जा रहे हैं, आपको फॉर्म फिल करना होगा। उसके साथ लगानी होगी आपको एडमिशन फॉर्म की कॉपी, वो एडमिशन फॉर्म एडमिशन कम रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपने ऑनलाइन भरा था, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ रहेगी वो 1 अप्रैल 2014 से लेकर 31 मार्च 2016 तक की है, उस बीच का जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है वो चाहिएगा। ओरिजिनल आपको रखना है क्योंकि साफ साफ कहा गया है ओरिजिनल और एक कॉपी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में लगाने हैं। ओरिजिनल से वेरिफिकेशन होगा। बच्चे की एक फ़ोटो एडमिशन फॉर्म पर लगेगी, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस का मतलब आप उस पर्टिकुलर प्लेस पर अभी रह रहे हैं, एट प्रेजेंट रह रहे हैं। कोई आपका वोटर आईडी हो सकता है, कोई आपका बिजली का बिल हो सकता है, कोई आपका जो है वो इवन रेंट एग्रीमेंट भी हो सकता है। उसके बाद इन केस आपने किसी कास्ट कैटेगरी से एडमिशन को सिक्योर किया है जैसे कि ST SC OBC, OBC में NCL नॉन क्रीमिलियर, तो इसका एक ड्यू सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। OBC जो है वो हर 6 मंथ्स में रिन्यू होता है, ST SC परमानेंट चलते हैं, तो ये सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल में देना होगा। SGC डिक्लेरेशन, इनकेस आपकी बच्ची का एडमिशन सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में हुआ है तो नोटरी से साइंड एक एफिडेविट लगेगा सिंगल गर्ल चाइल्ड की डिक्लेरेशन देते हुए। और ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स, कुछ एक जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप सर्टिफिकेट के तौर पर लगाएंगे डिक्लेरेशन के तौर पर, वो सब आपको ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर मिल जाएंगे उनके सैंपल्स। EWS OBC PH सर्टिफिकेट, EWS है, BPL है, OBC है या PH है, अगर ऐसी किसी कैटेगरी से आपका एडमिशन हुआ है तो इन कैटेगरीज के सर्टिफिकेट भी आपके लगेंगे। डिक्लेरेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम रेजिडेंस, आपका घर आपके स्कूल से कितना दूर है। RTE के लिए स्पेशली रहेगा क्योंकि RTE अर्बन एरियाज़ में 5 किलोमीटर के दायरे में दी जाती है और रूरल एरियाज़ में 8 किलोमीटर,
तो आपका जो घर है उस पर्टिकुलर स्कूल से उतनी ही डिस्टेंस में होनी चाहिए, इसका एक सेल्फ डिक्लेरेशन पेरेंट देगा। साथ ही साथ अगर आप किसी जॉब कैटेगरी से हैं, जैसे कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑटोनोमस बॉडीज से रिलेट करते हैं, या फिर आप स्टेट गवर्नमेंट में हैं, स्टेट गवर्नमेंट के ऑटोनोमस बॉडीज में हैं, वहाँ से आप रिटायर्ड हो चुके हैं डिफेंस वगैरह से या फिर वर्किंग है, तो वहाँ से आपका जो सेवा प्रमाण पत्र है, सर्विस सर्टिफिकेट जो है, आपके ऑफिस से, आपके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से ड्यूली साइन, ड्यूली अटेस्टेड, ड्यूली सर्टिफाइड एक सर्टिफिकेट भी लगेगा। इसका फॉर्मेट भी आपको पोर्टल पर मिल जाएगा। अ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म इन केस द फॉर्म हैज़ बीन सेंट बाय ईमेल। अगर आपने ये फॉर्म ईमेल के थ्रू भेजा है, मतलब ये सारा सब कुछ आप स्कूल विजिट ना करके बाय मेल ही भेज रहे हैं, तो इसके साथ अनेक्षर वन केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जो हाल ही में रिवाइज नोटिफिकेशन जारी किया है एडमिशन के लिए, उसके अंदर एक अनेक्षर वन लगा हुआ है, और उस अनेक्षर वन को आपको फिल करके साथ में लगाना होगा। ये तभी चाहिए जबकि आप ऑनलाइन बाय मेल स्कूल को ये फॉर्म सबमिट करें। कोविड की वजह से आप नहीं जा रहे हैं, बट अभी सिचुएशंस बेटर हैं, स्कूल्स खुल रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन खुल रहा है, तो आप ऐसे में स्कूल का ऑफिस जो है वो खुला हुआ है, वहाँ जाकर भी दिए गए टाइम स्लॉट में सबमिट कर सकते हैं। तो अगर आप खुद फिजिकल विजिट करते हैं स्कूल में, तो आपको इस सर्टिफिकेट की, इस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। ऊपर के नो सर्टिफिकेट में से, नॉन डॉक्यूमेंट्स में से जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होता है, जैसे कि जनरल कैटेगरी के लिए कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता, सेम वे अगर आपका सिंगल गर्ल चाइल्ड में नहीं हुआ है, तो आपको वो भी सर्टिफिकेट नहीं देना होगा। तो ये बेसिक रेफरेंस के लिए मैंने आपको बताए हैं वो डॉक्यूमेंट्स जो नीडेड है। आप इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करेंगे, आप स्कूल विजिट करेंगे, और स्कूल विजिट करने पर आपको एक एडमिशन फॉर्म दे दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा उसमें इन्फॉर्मेशन नहीं होती, बेसिक इन्फॉर्मेशन रहती है, वो सब कुछ लगेंगे और ये आपका सबमिट होगा। इसके साथ दो ऑप्शनल चीज़ें और रहती है, बच्चे का ब्लड ग्रुप और उसका आधार कार्ड। इनकेस नहीं है आपके पास तो आप बनने के लिए दे सकते हैं, बट ये नॉन एसेंशियल है, ये ऑप्शनल है, देने चाहिए। अगर इनकेस आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप करके लेटर ऑन भी सबमिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप दैट दी गई जानकारी से आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड होंगे, और मेरी ये जानकारी आपके लिए यूजफुल रही है। थैंक यू।